एवरीवन, मैं प्रीति आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम 303 के अलावा एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है हमारा हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, जिसको हम HRC कार्टिज फ्यूज भी बोलते हैं। तो हाई रैप्चरिंग फ्यूज को हम HRC कार्टिज फ्यूज ही बोलते हैं। तो जो हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी है, इससे मतलब क्या होता है? हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी से मतलब है कि हाई जो करंट रेटिंग, हाई रेटिंग की करंट को ब्रेक करना होता है, वहाँ हम HRC फ्यूज यूज में लेते हैं, ठीक है। और जहाँ हमारी कम रेटिंग से हमारा काम होता है, वहाँ हम लेते हैं रिवायरेबल टाइप फ्यूज। अब उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, वो हम देखेंगे। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि HRC फ्यूज की कंसेप्शन क्या है, HRC फ्यूज कैसे काम करता है, और ये किस किस रेंज में, ये कितने एम्पियर में, कितनी कैपेसिटी में ये हमको मिलता है, और ये इतना फेमस क्यों है, ये सब हम HRC फ्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं HRC फ्यूज किस टाइप का प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करता है। तो प्रोटेक्शन के बारे में पढ़े तो क्या होता है, ये हमें देता है ओवरलोड प्रोटेक्शन और ओवरकरंट प्रोटेक्शन, इसको हम ओवरकरंट प्रोटेक्शन भी बोलते हैं, एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ठीक है। तो हमें ओवरलोड प्रोटेक्शन देता है, जिसको हम ओवरकरंट प्रोटेक्शन भी बोलते हैं, और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करता है HRC फ्यूज। अब देखते हैं हम HRC फ्यूज की कंस्ट्रक्शन क्या होती है। तो कंस्ट्रक्शन पे आते हैं, देखते हैं ये जो HRC फ्यूज की जो बॉडी बनी होती है, वो पोरोसिलिन या सेरेमिक की बनी होती है, और ये पूरी एयर टाइट होती है। एयर टाइट से इससे क्या फायदा होता है कि सपोज हमारी जो करंट है वो नॉर्मल करंट से एक्सीड हो जाती है, और हमारा फ्यूज एलिमेंट है वो मेल्ट हो जाता है, तो जो हमारा स्पार्किंग होती है वो इससे बाहर नहीं आएगी, जो आउटर जो चीज़ें लगी हुई है उनको कोई नुकसान नहीं होगा, जो कि हमारे रिवायरेबल फ्यूज में इसका ये डिसएडवांटेज है। अब ये क्या है, हमारी सिरेमिक बॉडी होती है, जो इसके मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसकी काफ़ी बनी होती है, पोरोसिलिन या सिरेमिक की बनी होती है, ठीक है। इसके अंदर ये हमारा क्या लगा हुआ है, ये हमारा फ्यूज एलिमेंट लगा हुआ है, जो ही हमारा मेल्ट होके सर्किट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जो हमारा फ्यूज एलिमेंट होता है वो सिल्वर या कॉपर का बना होता है, किसका, सिल्वर या कॉपर का हमारा ये फ्यूज एलिमेंट हमारा मेनली बना होता है। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये हमारे दो ये आउटर एलिमेंट है, यहाँ पे जहाँ पे फ्यूज एलिमेंट को होल्ड किया गया है, ये फ्यूज एलिमेंट को कनेक्ट करने के काम आते हैं, और ये हमारा यहाँ पे क्या है, फ्यूज लिंक कॉन्टैक्ट, इधर की साइड भी है और इधर की साइड भी है। ये कहाँ कनेक्ट होते हैं, जो हमारी फ्यूज सीट होती है उस पर ये कनेक्ट होते हैं, जिससे हमारा पूरा सर्किट हमारा कंप्लीट होता है। अब ये इसको अच्छे से स्क्रू किया जाता है बहुत टाइटली, और ये हमारी हो गई सिरेमिक बॉडी, ये है हमारे ब्रास एंड कप, ठीक है, जहाँ पे हमारा फ्यूज एलिमेंट कनेक्टेड होता है, फ्यूज लिंक, फ्यूज एलिमेंट, और ये है हमारा फिलिंग पाउच। अब ये देखिए ये क्या है, हमारी कार्टिज फ्यूज, ये हमारा कार्टिज फ्यूज है, ये कार्टिज पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये जो कार्टिज पार्ट है हमारा, यहाँ देखिए हमारा ये जो फ्यूज एलिमेंट है, इसके चारों तरफ एक पाउडर भरा हुआ है, जिसे हम फिलिंग पाउडर बोलते हैं। अब देखिए फिलिंग जो पाउडर होता है वो किस किस का बना होता है, हमारा फिलिंग पाउडर होता है या तो हमारा क्वार्ट्ज सैंड, ठीक है, या हमारा ये होता है सिलिका सैंड, प्लास्टर ऑफ पेरिस या मार्बल डस्ट हम, और या फिर चौक हम। देखो अब देखिए यहाँ पे फिलिंग पाउडर के यूज में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्वार्ट्ज सैंड यूज कर सकते हैं, सिलिका सैंड यूज कर सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज कर सकते हैं, मार्बल डस्ट एंड चौक, ये सब हम एज ए फिलिंग पाउडर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब देखिए कि ये फिलिंग पाउडर है ये क्यों भरा जाता है, फिलिंग पाउडर भरने का क्या पर्पज है। फिलिंग पाउडर जो क्वार्ट्ज सैंड है, फिलिंग पाउडर वो बेसिकली क्या करता है, बहुत हाई रेट से हीट को एब्जॉर्ब करता है। हीट कब जनरेट होती है, जब हमारी जो करंट है रेटेड करंट से एक्सीड करती है तो हमारी हीट जनरेट होती है। तो क्या होती है, तो जो हमारा फिलिंग पाउडर है वो क्या करता है, बहुत हाई रेट से हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और क्या करेगा, वोल्टेज को आर्क क्वेंच काम करने का करता है। आर्क क्वेंचिंग का काम भी हमारा फिलिंग पाउडर करता है, मतलब आर्क क्वेंचिंग का क्या काम करता है कि वोल्टेज और रिस्ट्राइकिंग होता है, वोल्टेज रिस्ट्राइकिंग होने से रोकता है, उसके पाथ में ये ब्लॉक कर देता है हमारा क्या, क्वार्ट्ज सैंड, ठीक है। अब देखिए इसकी वर्किंग किस तरीके से होती है, ठीक है, मान लो सपोज करो ये हमारा HRC फ्यूज है, ठीक है, तो ये जो हमारा HRC फ्यूज है वो क्या करता है, इसकी एक और एडवांटेज है, ये हाई करंट को भी ब्रेक कर सकता है और लो करंट को भी ब्रेक कर सकता है। लो करंट को ब्रेक करने के काम भी आता है हमारा ये, और हाई करंट को ब्रेक करने के काम भी हमारा HRC फ्यूज आता है। तो HRC फ्यूज के दो पर्पज हो गए, तो लो करंट को ब्रेक कर सकता है, हाई करंट को भी ब्रेक कर सकता है।
अब यहाँ पे देखिए कि इसकी वर्किंग क्या है, किस तरीके से ये हमारा काम करता है। तो सपोज करो ये हमारा HRC फ्यूज है और इसकी ब्रेकिंग जो करंट रेटिंग है इसकी क्या है, 63 एम्पियर इसकी करंट रेटिंग है। अब ये हमारा जो HRC फ्यूज है तो ये 63 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो इसको नॉर्मली ऑपरेशन करता रहेगा, हमारा जो फ्यूज एलिमेंट है वो मेल्ट नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और सपोज करो जो हमारा जो करंट है रेटेड करंट, तो ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में वो हमारा 63 से एक्सीड कर जाता है, बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये हमारा जो फ्यूज एलिमेंट है वो मेल्ट नहीं होगा। अब मेल्ट नहीं होगा तो बेसिकली तो हमें मेल्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये जो क्या होता है फिलिंग पाउडर, इसकी जो हीट है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है फिलिंग पाउडर, और इसको हीट इसके आसपास है वो ज़्यादा बढ़ नहीं पाती है, जिससे हमारा जो HRC फ्यूज है वो अगर 63 एम्पियर का होगा तो 1.5 गुना तक ये करंट सहन कर सकता है, समथिंग 94 एम्पियर तक भी ये करंट कैरी कर सकता है अंडर फॉल्ट और ओवरलोड की कंडीशन में। तो तब तक ये कितने सेकंड्स के लिए करेगा ये कैरी, 10 से 12 सेकंड के लिए। अगर ये इससे ज़्यादा 10 से या 12 सेकंड के लिए हमारी करंट जो 10 या 12 सेकंड से ज़्यादा अगर हमारी करंट रह जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमारा फ्यूज एलिमेंट है वो मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होके क्या होगा हमारा ये सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो ये इसकी ब्रेकिंग क्या, ये इसकी हमारी वर्किंग है कि जैसे ही हमारा करंट इससे एक्सीड होगा, अब ये देखिए कि ये कहाँ पे काम होता है, कहाँ पे काम आता है, तो हमारी कुछ मोटर्स होती हैं, ठीक है, जिनके लिए हमें स्टार्टिंग में हाई करंट चाहिए होता है, ठीक है, हाई करंट चाहिए होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा हाई करंट में, कि अगर मान लो हमारा नॉर्मल फ्यूज होगा तो वो क्या होगा मेल्ट हो जाएगा और हमारी जो करंट है वो जो मोटर है वो चल ही नहीं पाएगी, बाकी तो स्टार्टिंग में बस इसको हाई करंट चाहिए होती है, उसके बाद तो ये नॉर्मल करंट पे चलने लग जाएगा, ठीक है, स्टार्टिंग के 2 या 3 सेकंड के लिए इसको हाई करंट चाहिए होती है। तो उस जगह पे हम क्या यूज में लेते हैं, HRC फ्यूज यूज में लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा अगर मान लो हम यहाँ पे HRC फ्यूज यूज में लेंगे, तो अब इसका तो ये 1.5 गुना ये करंट कैरी कर सकता है, होल्ड कर सकता है, तो स्टार्टिंग में हम HRC फ्यूज यूज में ले लेंगे तो स्टार्टिंग करंट में, और ये हमारी मोटर अच्छे से रन कर पाएगी। तो ये यहाँ पे समझ में आ गया कि जैसे ये हमारा ये सीट पे फिट होता है हमारा, ठीक है, और ये हमारा क्या है बाई मेटल थर्मल कंट्रोल, तो इसको बाई मेटल टिन से इसको डिवाइड किया जाता है 2 या 3 सेक्शंस में, जिससे हमारा क्या होता है ये बाई मेटल थर्मल कंट्रोल क्यों यूज में लेते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, जिससे हमारी हीट ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है। तो ये हमारी HRC फ्यूज की यहाँ पे वर्किंग फिनिश होती है कि HRC फ्यूज हमारा किस तरीके से काम होता है, ये एयर टाइट होता है, हमारा HRC फ्यूज है वो कितने करंट रेटिंग में अवेलेबल है, वो कितने अवेलेबल है हमारा 2 एम्पियर से लेके 800 एम्पियर तक ही हमारा अवेलेबल है 800। अब इसका जो मेन डिसएडवांटेज है वो क्या है कि इसको हर एक ऑपरेशन के बाद हमें बदलना पड़ता है, ये इसका मेन डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज तो इसके काफ़ी है कि हाई करंट के लिए यूज़ में इसको ले सकते हैं, और जो हमारा फॉल्ट करंट है उसको कुछ सेकंड के लिए कैरी कर सकता है, और जो हाई मैग्नीट्यूड करंट है उसको ये कुछ 10 से 12 सेकंड तक होल्ड कर सकता है। यहीं पर ये अपना HRC फ्यूज फिनिश होता है, आगे हम पढ़ेंगे।